हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है 12 वोल्ट कन्वर्टर के बारे में। तो आज हम 12 वोल्ट के कन्वर्टर को रिपेयर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप उसका सारा पार्ट बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो ज़्यादा देर न करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास कन्वर्टर है, ये रिपेयर के लिए आया है हमारे पास। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो आप देखिए, ये हमारे पास 12 वोल्ट कनेक्शन है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, ये येलो कलर का है। तो अभी इसको हम कन्वर्टर में ज्वाइन कर देंगे। अब हम ये प्लस वाला वायर लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, यानी कि वायर एकदम गर्म हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, तो ये शॉर्टिंग बता रहा है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसमें शॉर्ट किस वजह से बता रहा है और क्या क्या इसमें हमको चेक करना है। तो इसको सबसे पहले बात तो हम खोल लेते हैं, ये देख लिए मैंने खोल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये स्क्रू और ये वाला दोनों खोल के हम प्लेट को बाहर करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे बारी बारी से कि यह हमारी शॉर्टिंग कहाँ बता रही है। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने कैबिनेट से बाहर निकाल दिया है ये बोर्ड को। अभी हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा फॉल्ट बता रहा है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने जो स्विच वाला कनेक्शन अलग दिया गया था उसको हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर इस जगह पर हम दोनों को शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा ये स्विच जो है ये ख़राब है, तो इसको ये डायरेक्ट हो जाएगा अभी जब तक हम रिपेयर करेंगे। बाद में हम इसको जैसे इसका कनेक्शन था उसी प्रकार से हम स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो ये स्विच पर भी हम डायरेक्ट जो है दोनों तरफ इसको ज्वाइन कर देते हैं। अभी ये क्या होगा, ये जो हमारा स्विच है ये डायरेक्ट हो जाएगा। जब हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तभी ये हमारा काम करना चालू हो जाएगा। ये देखिए, हमारा जो है ये स्विच को मैंने डायरेक्ट कर दिया है, बीच में एक जम्पर मार दिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे मीटर के द्वारा। सबसे पहले हम इसको क्या कंटिन्यूटी मोड पे इसको पहले मैंने इसको कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बता रहा है। अभी हम ये जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है इसमें हम सीधे ये मीटर के दोनों वायर लगाएंगे। ये देखिए, यानी कि इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, ये अभी शॉर्ट बता रहा है। तो अभी हमको चेक करना है कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो देखिए, एक यहाँ पे हमारा जो ये लगा हुआ है हमारा फ्यूज़ का काम करता है, यानी कि दोनों सप्लाई के बीच में ये लगा हुआ है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा आपस में तो फिर क्या होगा कि इसमें हमारा शॉर्टिंग बताएगा। तो अभी हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा सही है कि नहीं, इसको बताना नहीं चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल नहीं बता रहा है ये, यानी कि ये जो लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो अभी हमारी शॉर्टिंग आ कहाँ से रही है हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, यहीं से हमारा सीधे जो है यहाँ से करंट आया है ये मॉस्फेट पे। तो एक मॉस्फेट ये लगा हुआ है और एक मॉस्फेट इधर साइड लगा हुआ है, जिसका नंबर है 55N, यानी P55N है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मॉस्फेट को निकाल के चेक करेंगे और फिर बाद में अगर ये ख़राब होगा तो हम दूसरा चेंज करेंगे। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, ये वाले दोनों मॉस्फेट को। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस प्रकार से मॉस्फेट लगा हुआ है इसी प्रकार से हमको दूसरा मॉस्फेट इसमें लगाना है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरी सोल्डिंग निकाल दी है। अभी हम क्या करेंगे, ये मॉस्फेट को सीधे उठा लेंगे। ये देखिए, एक मॉस्फेट निकल गया है और दूसरा भी हमारा ये निकल गया है, यानी कि ये दोनों मॉस्फेट निकल चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे कि हमारी यहाँ से शॉर्टिंग बता रही है कि नहीं बता रही है। तो ये मैंने कंटिन्यूटी वाला वायर ले लिया है मीटर का, अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए, अब भी पर जो है हमारी इसमें मीटर में कंटिन्यूटी बता रही है, तो इसके मतलब कि शॉर्टिंग अभी और दूसरी जगह भी है। और एक यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर उड़ गया है। ये देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण ये उड़ चुका है।
तो अभी हम इसको कैपेसिटर हटा के चेक करेंगे, यानी कि अब भी ये शॉर्टिंग बता रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा एक डायोड लगा हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ये देखिए एक साइड बताएगा और दूसरा साइड नहीं बताना चाहिए इसको। ये देखिए ये दोनों तरफ बता रहा है, इसके मतलब कि ये डायोड हमारा ख़राब हो सकता है। मगर इसको हम जब तक निकाल के नहीं चेक करेंगे हम क्लियर नहीं कह सकते कि हमारा डायोड ख़राब है। तो अभी हम इसको निकाल के चेक करेंगे इस डायोड को। अभी आप देख सकते हैं ये डायोड का मैंने एक लेग निकाल दिया है, अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये सही है कि ख़राब है। तो अभी ये हमारा डायोड आप चेक करेंगे, देखिए ये ना तो इधर साइड बता रहा है ना इस साइड बता रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा ख़राब है। अगर दोनों तरफ बताएगा तब भी पर ख़राब है, शॉर्ट होगा, अभी ये हमारा नहीं बता रहा है यानी कि तब भी ये हमारा डायोड ख़राब है। डायोड अगर सही है तो एक तरफ बताएगा और दूसरे तरफ हम चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, तो अभी ये डायोड हमारा दोनों तरफ नहीं बता रहा है। तो इसको डायोड को भी हम निकाल लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग दूर हुई कि नहीं हुई। तो देखिए यहाँ भी अभी हमारी शॉर्टिंग नहीं दूर हुई, बीप की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम चेक क्या करेंगे, तो देखिए ये वाली तो हमारा जो वायर है नेगेटिव वाला, ये भी हमारा सीधा देखिए यहाँ से आके ये आईसी पे आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव वाला आया है और दूसरा हमारा यहाँ से आप ये जो हमारा पॉजिटिव वाला लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, जो स्विच के द्वारा ये हमारा सप्लाई होते हुए यहाँ से इस पे आया है और यहाँ से भी हमारा सीधे यहाँ पे आईसी पे आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आईसी को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये आईसी के निकालने के बाद हमारी शॉर्टिंग दूर हुई कि नहीं। अगर हमारी शॉर्टिंग दूर हो जाती है तो फिर हम ये समझ लेंगे कि ये आईसी हमारी ख़राब है। तो अभी हम ये आईसी को निकालते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये आईसी की मैंने पूरी सोल्डिंग निकाल दिया है, तो ये आईसी निकालेंगे। अभी हम निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी दूर हुई कि नहीं। तो देखिए ये आईसी को भी हम इस प्रकार से निकालेंगे और सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि हमारी जहाँ पे कटिंग का निशान है इस साइड वाली हमारी एक नंबर पिन होती है, तो जैसे हम निकालेंगे बस उसी प्रकार से हमको आईसी लगाना है। तो देखिए ये हम इस प्रकार से करके ये देखिए हमारी आईसी बाहर हो गई है, ये देखिए आईसी निकल गई है। और निकालने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि अभी हमारी शॉर्टिंग बता रही है कि नहीं बता रही है। तो देखिए जहां हमने बैटरी का कनेक्शन देते हैं इसी जगह से हमको चेक करना है। तो यहां पे हमने देखिए प्लस वाला वायर रख दिया और इस साइड हम जो मीटर के नेगेटिव रखेंगे, ये आप देखिए यानी बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं बता रही है। तो इसके माने कि ये जो आईसी लगी थी हमारी ये आईसी शॉर्ट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरी आईसी चेंज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये हमारा जो है कन्वर्टर सही हुआ कि नहीं हुआ। तो जितने मैंने पार्ट्स निकाले हैं उसको भी हम चेक करके, जैसे कि हमने मॉस्फेट निकाला है, कैपेसिटर निकाला है और एक डायोड यहाँ से निकाला है, ये सब को हम वापस वैसे ही लगा देंगे। और पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये आईसी को हम चेंज करके दूसरी आईसी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये आईसी निकाली है और इस आईसी का नंबर ये हमारा है 3525, इसका नंबर 3525 है, ये आपको सही देख नहीं रही होगी मगर इसका नंबर आपको बता दे रहा है 3525 है। तो ये हमारी ख़राब आईसी है। अभी हमने देखिए नई आईसी मंगवाया है, ये नई आईसी हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए आईसी लगाने के लिए क्या करना है, सबसे जो ज़रूरी है वो हमको ये देखना है कि हमारी आईसी सीधी लगना चाहिए। तो जहाँ ये कटे का निशान है इस साइड से ये हमारी पहली नंबर पिन होगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्लेट में भी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है, यानी इधर साइड वाली हमारी जो है ये एक नंबर पिन है। और यहाँ पे देखिए आप कटे का निशान भी बना है। तो जैसे ये नीचे बना हुआ है बस उसी प्रकार से हम ये आईसी को लगा देंगे।
ये आप देख सकते हैं ये आईसी पूरी तरह से बैठ गई है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी ये आईसी पूरी तरह मैंने ये सोल्डिंग कर दी है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अभी तो हमारी शॉर्टिंग नहीं बता रही है, तो अभी देखिए हम मीटर से फिर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी हमारी बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं बता रही है। तो अभी जैसे मैंने ये मॉस्फेट निकाले थे और हमारा एक डायोड था, ये हम जैसे जो जो पुर्जे हमने निकाले थे वो पुर्जों का हम फिर से लगा देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, मॉस्फेट भी एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मॉस्फेट सही है कि नहीं है। देखिए ये देखिए हमारा मॉस्फेट पूरी तरह से सही है। और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितने मैंने पार्ट्स निकाले थे वो सारे मैंने लगा दिए हैं। ये आईसी भी मैंने चेंज कर दी है और यहाँ का हमारा कैपेसिटर ख़राब हो गया था, ये कैपेसिटर भी लगा दिया है। और ये डायोड भी आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा लगा हुआ है, जो पहला डायोड था वो ख़राब था, यानी वो किसी तरफ से नहीं बता रहा था। तो जितना जिस प्रकार से हमारे पार्ट्स लगे हुए थे मैंने उसी प्रकार से लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं कि यह हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा जो है आउटपुट है, यहाँ से हमारा 220 करंट निकलता है। तो 220 करंट की जगह पे हम यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा देते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यह हमारा कन्वर्टर सही काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये मैंने एलईडी बल्ब लगा दिया। अभी हम इसमें सप्लाई देंगे, तो ये हमारा ये मैंने नेगेटिव वाला दे दिया है बैटरी का, और ये हमारा जो रेड वाले में है इसमें हम प्लस वाला करंट देंगे। ये देखिए यानी कि हमारा कन्वर्टर पूरी तरह से एकदम सही काम कर रहा है। सामने की एलईडी भी जल रही है, आप देख सकते हैं एलईडी भी जल रही है, और ये हमारा जो यहाँ पे आउटपुट 220 वोल्ट निकाल भी रहा है। तो जब भी हमको रिपेयर करना है तो इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ फॉल्ट हमारा होगा उसको हम चेक करेंगे, और फिर बाद में जो पार्ट्स हमारा ख़राब होगा उसको चेंज कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको जो है चेक करना है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर ना हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।